फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रंकेट कमांड कि हमारी ट्रंकेट कमांड क्या होती है। इसमें हमने अपना डाटाबेस क्रिएट कर रखा है। हमारे डाटाबेस में एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, और ये हमारे पास रिकॉर्ड लेवल है जो हमने इंफॉर्मेशन डाल रखी है। तो ये हमारा डाटाबेस है। तो ट्रंकेट कमांड क्या करेगी? रिमूव एंटायर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ट्रंकेट कमांड क्या करेगी? रिमूव एंटायर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। मतलब हमारे पास टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देगी। ट्रंकेट कमांड में वो ये है कि सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड हमने फिल किया था, जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड था, वो ही डिलीट होगा। हमारा स्कीमा एज इट इज रहेगा ट्रंकेट कमांड में। ठीक है, हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है ट्रंकेट कमांड का। सिंटेक्स होता है हमारे पास इसका ट्रंकेट टेबल एंड फिर हमारा टेबल का नेम। ठीक है, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ट्रंकेट टेबल क्या है हमारे पास? टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब ये कमांड डालने से क्या होगा? अगर हम अपने डाटाबेस पे कमांड देते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे डाटाबेस में एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास ये डिलीट हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारा स्कीमा एज इट इज रहेगा। स्कीमा डिलीट नहीं होगा, जबकि हमने ड्रॉप टेबल कमांड में देखा था कि हमने जब ड्रॉप कमांड टेबल दी थी तो हमारे पास जो डाटाबेस में जो हमारी एम्प्लॉय टेबल थी वो कंप्लीट की कंप्लीट विद स्कीमा रिमूव हो गई थी। लेकिन हमारे पास ट्रंकेट कमांड में क्या है? ट्रंकेट कमांड में हमारे पास स्कीमा एज इट इज रहेगा, एट्रीब्यूट्स हमारे पास एज इट इज रहेंगे। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स है स्कीमा में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, लेकिन जो इसमें रिकॉर्ड हमने फिल किया था, जो भी इंस्टांस थे, इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी हमारी डिलीट हो गई। तो ये होता है ट्रंकेट कमांड में, सिर्फ स्कीमा रह जाता है और इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।